हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। आइए जानते हैं आज की नई खबरें। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा, जिसकी खूबसूरती की दीवानी से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया में लाखों लोग उनकी सुंदरता के कायल है। रेखा आज भी जिस इवेंट में पहुँचती है वहाँ चार चांद लग जाते हैं। 66 साल में भी वो बेहद ही जवां दिखाई देती है। रेखा का स्टाइल और मेकअप सबसे जुदा नजर आता है, जिसमें उनका सिंदूर लगाना कई बार सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे सवाल बहुत उठे कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। एक वक्त था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिसके साथ उनके प्यार के चर्चे जोरों पर थे। हालांकि रेखा ने खुद इस बात से पर्दा उठाया था कि वो अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। 1980 में सबसे पहले रेखा सिंदूर लगाकर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची थी। रेखा की मांग में सिंदूर देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वहां अमिताभ बच्चन के साथ पहुंची जया बच्चन भी, जो घबरा गई थी। ये वही दौर था जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें उड़ रही थी। उस दिन ऋषि नीतू से ज्यादा रेखा ने लाइमलाइट बटोरी थी। कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे कि कहीं अमिताभ ने रेखा से शादी तो नहीं कर ली। हालांकि रेखा ने अपने इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दिया था कि वो मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। उन्होंने बताया था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती है। रेखा ने कहा था कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट होता है, इसलिए वो लगाना पसंद करती है। रेखा ने अपनी तरफ से सफाई में यह कह दिया था, लेकिन बातें फिर भी कई बनती रही। ऐसा भी कहा जाता रहा कि रेखा संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करने लगी थी, दोनों ने शादी की थी। संजय के नाम का ही सिंदूर रेखा मांग में भरती है। अब असल सच क्या है, इस पर कह पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।